फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये प्लांट, बेबी सनरोज के प्लांट को। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और एक सकुलेंट प्लांट है, फ्लावरिंग सकुलेंट प्लांट है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक लो मेंटेनेंस वाली प्लांट है, इजी टू ग्रो, और एक छोटे से छोटे जो कटिंग्स है उससे भी बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है। अब बिलीव नहीं करेंगे, करीब 3 महीने पहले मैं इस प्लांट को ख़रीदी थी और बहुत छोटा सा प्लांट। मैं आपके साथ आपको दिखाने के लिए पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ नीचे, और अभी आप देख सकते हैं कितनी सारे जो ब्रांचिंग हुई है इस प्लांट में। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इसका ग्रोथ पाने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि इसका मिट्टी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए ताकि पानी रुके नहीं। चूँकि एक सकुलेंट प्लांट है, आप देख सकते हैं इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां हैं इसमें भी पानी भरा होता है, स्टेम में भी, तो बहुत कंट्रोल वे में इसको पानी देना है। पानी देने के पहले चेक करिए इसको चाहिए, तभी आप पानी दें। दूसरा, इस ये एक सन लविंग प्लांट है, आप ये फुल सन में भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन आप एज अ इंडोर प्लांट भी इसको रख सकते हैं। इंडोर यानी आप अगर आप ऐसे, जैसे कि मैंने अभी इसको अभी, क्योंकि अभी गर्मी है और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैंने अभी आप देख सकते हैं जो पॉर्च एरिया है उसी में रखी हुई हूँ, और यहाँ पर भी इसको बहुत अच्छा जो सनलाइट है वो मिलता है। और फ्रेंड्स, जब सनलाइट इसको प्रॉपर मिलती है तभी इसमें फ्लावरिंग आती है और छोटे छोटे फ्लावर्स खिलते हैं। कई रंग के इसमें फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जो जनरल कलर है वो रेड रंग का मिलता है मार्केट में, अगर आप खोजेंगे तो। और मेरे पास भी रेड कलर का ही है, और आप देख सकते हैं ये जो देखिए, ये जो ब्रांचेस है, ये देखिए फ्लावर, इसी के बीच में फ्लावर्स निकल के आते हैं, और बहुत खूबसूरत सा फूल है, छोटे छोटे एकदम प्यारे से, एकदम एस्टर, अगर आपने देखा होगा एस्टर के फ्लावर, उसी का छोटा जस्ट रूप है एकदम। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा फूल है इसके। फर्टिलाइज़र की अगर बात करूँ, ख़ास कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। जब आप इसको रिपोर्ट करें, जब इसको आप लगाए, तभी आप फर्टिलाइज़र दे, आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद कुछ भी दे सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं जनरली लगाते टाइम ही एक हिस्सा मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, वेल ड्रेन बनाने के लिए सैंड का इस्तेमाल करती हूँ और मिट्टी डालती हूँ, तो ये 3 चीज़ तो कॉमन है। और चूँकि ये स्प्रिंग सीज़न जनरली ग्रोइंग सीज़न होता है, तो इस समय आप एक बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऐसे पूरे साल इसको या महीने में इसको फर्टिलाइज़र बार बार देने की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स, अगर इन्फेस्टेशन की बात करूँ, तो नॉर्मली जब भी सीज़न चेंजिंग वाला पीरियड होता है, हर पौधे में ही आपको इन्फेस्टेशंस की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें भी होता है मिलीबग्स की खास प्रॉब्लम। ये देखिए मिलीबग्स जैसे कि दिख रहा है, ये देखिए पीछे ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ आप जो स्टेम या पत्ती को आप पलटेंगे, जो बैक साइड है उसमें, तो कई बार आपको चेक करना है कि कहीं मिलीबग्स वगैरह तो नहीं लगा है। तो आप बीच बीच में नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं, खास जो चेंजिंग वाली सीजन होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जैसे कि मैंने बताया, छोटे से छोटे कटिंग लगा के भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको आस पड़ोस किसी फ्रेंड से अगर छोटा भी कटिंग मिले तो आप इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि इसके जो स्टेम्स है ये ट्रेल करता है, आप देख सकते हैं, तो अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखता है, और या किसी आप कंटेनर को किसी एलिवेटेड पोजीशन में रखेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप ग्राउंड में लगाएंगे तो ये ग्राउंड को कवर करेगा, और ऐसे तो किसी भी कंटेनर में आप लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको कंटेनर में इस तरह लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग में नहीं है तो ज़रूर इस प्लांट को अपने कलेक्शन में ऐड करें, और आशा करती हूँ आपको ये जो प्लांट है बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छे लगे तो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने बिल्कुल भी ना भूलें, और फ्रेंड्स इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।